Hello everyone, welcome to Navya Online Study Channel. So today we are going to study the 7th chapter of class 7th and Alien Hand Supplementary Reader Chandani. Our chapter name is Chandani. Let's start. Abu Khan kept goats as pet. Abu Khan ne goats ko rakha tha pet ke taur pe. He loved his goat. वो अपने goats को बहुत प्यार करते थे but they left him one by one. लेकिन एक ही करके वो सब goats उसको छोड़ दिया उन्होंने. He bought a young pretty goat and called her Chandni. तो उसने एक young सी pretty goat खरीदी जिसका नाम उसने चांदनी रखा. Let's start with our chapter. Once upon a time, एक बार की बात, there lived an old man in Almora. Almora में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे. He was popularly known as Abu Khan. वो Abu Khan के नाम से भी जाने जाते थे. He lived all alone except for a few goats. वो अकेले रहते थे. बस उनके साथ कुछ उनकी goats रहती थी. Which he always kept as pets. जिनको वो हमेशा pets के उसपे रखते थे. He gave his goats funny names such as Kalua, Mungia और Gujri. बहुत funny funny नाम रखते थे. जैसे किसी का Kalua रख दिया, किसी का Mungia रख दिया, किसी का Gujri रख दिया. He would take out for grazing during the day. तो वो क्या करते थे, वो उन्हें सुबह मतलब दिन दिन की टाइम पे उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे. एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वन ओन चिल्ड्रन. उससे ऐसे बात करते थे गोट से जैसे वो उनका खुद के जैसे बच्चे से हम जैसे खुद के किसी के बच्चे हों तो जैसे वो एक दूसरे से बात करते वैसे ही वो भी अपने गोट को वैसी बातें करते थे उनसे. ओके एट नाइट He would bring them back to his little hut and put string round the neck of each goat. वो क्या करते थे, उनकी छोटी सी हट थी उसके बाहर एक उन्होंने स्ट्रिंग उनके गले में वो एक रस्सी बांध देते थे हर एक गोट की और उसको वहाँ पे लगा देते थे. Poor Abu Khan was a little unlucky in his matter of his goats. जो अब्बू खान था वो अपनी ये गोट्स के मैटर में बहुत अनलक्की था. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज. तो एक गोट थी उसने बार बार उसको खींचा और वो जो स्ट्रिंग थी वो ढीली हो गई और टूट गई. एंड देन वुड डिसअपीयर्ड इन द हिल्स बियॉन्ड. उसके बाद वो हिल्स के पीछे कहीं डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई. Goats in a hilly region hate being tied to trees or poles. जो goats थे उस hilly region के उनको नहीं पसंद था कि उसको उनको किसी pole से या tree से बांध दिया जाए. They love their freedom. वो अपनी freedom को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, पसंद करते थे. Abu Khan's goat were of the best hill breed. Abu Khan की जो goat थी वो एक best breed थी उस hill की. They too love their freedom. वो अपने freedom को भी बहुत अच्छा मानते थे. So whenever they got the chance और इस वजह से जब भी वो चांस उनको मिलता they would run away. वो वहाँ से भाग जाते only to get killed by an old wolf who lived in the hills. और वो क्या कहते वो मर जाते, एक बूढ़ा wolf था उस hills में रहता था उसके द्वारा वो मर जाते थे. Whenever one of his goat disappeared, जब भी कोई एक goat उसकी disappear होती थी, गायब होती थी, Abu Khan was very sad. Abu Khan बहुत sad हो जाता था. He did not understand why even the justest grass and grains that give them, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी grass देके इतना grains जो मैं उसको देता हूँ and all love that he showed on them और जो भी प्यार वो उस पर करता था would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. वो इनको वो डेथ में जाने से नहीं रोक पाया, वो नहीं रोक पाया इतना प्यार करने के बाद भी. Are these goats mad? क्या ये
गोट्स पागल है? ही वंडर, उसे सोचा, और मतलब एकदम आश्चर्य के साथ. और वॉज इट योर लव फॉर फ्रीडम, या वो उनकी फ्रीडम के लिए प्यार है? बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. अबू खान could नॉट सॉल्व द मिस्ट्री. उसने कहा लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स स्ट्रगल, दी हार्डशिप होती है और कभी कभार डेथ भी. अबू खान इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया. देन One day when all goats had left him, एक दिन जब सारी goats उसको छोड़ के चली गई थी, अबू खान said to himself, अबू खान ने अपने आप से कहा, no more goats in my house ever again. इसके बाद एक भी goats मेरे घर पे कभी नहीं आएगी. I may yet live for few more years, but I live without goats. मैं कुछ ही साल मेरे को जीने, लेकिन वो साल मैं बिना goats के बिताऊंगा. However, the poor old man was terribly lonely. लेकिन अब वो पुअर जो ओल्ड मैन था वो बहुत धीरे धीरे क्या हो गया, वो बहुत अकेलापन हो गया, अकेलापन महसूस होने गया. ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, वो अपने पेट्स के बिना नहीं रह पा रहा था. वेरी सून ही बहुत आ यंग गोट, लेकिन फिर भी उसने क्या खरीद ली, एक यंग गोट खरीद ही ली. ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर. एक यंग गोट, उसने सोचा एक यंग गोट मेरे साथ बहुत दिनों तक रहेगी. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She never want to go to hills and he loved with joy. उसने सोचा कि जल्दी ये मुझे प्यार भी करने लग जाएगी, खाना अच्छा अच्छा खाना भी खाने लग जाएगी, जो मैं हर रोज़ खाना दूंगा वो भी खाएगी अच्छी तरीके से, और ये कभी भी मुझे छोड़ के हिल्स में नहीं जाएगी. एंड ही लव्ड विथ जॉय, और वो एकदम जॉय के साथ क्या करने लग गया, हंसने लग गया. द न्यू गोट्स वॉज वेरी प्रिटी, जो नई गोट थी वो बहुत प्यारी थी. शी वॉज वाइट एज स्नो, वो एकदम स्नो की तरह वाइट थी. एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसकी छोटे से हेड पे दो हॉर्न्स थे. एंड पेयर, you can see this is Chani, and a pair of gleamed red eyes. और उसकी क्या थी, एकदम चमकती लाल रंग की आंखें थी. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lots of interest and affection. वो एकदम उसके साथ फ्रेंडली रहने लगी, और वो अब्बू खान की जो भी स्टोरी वो सुनाता था वो सुनती थी बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ और अफेक्शन के साथ. ओके, अफेक्शन क्या होता है, मीन्स स्नेह, एकदम स्नेह के साथ, प्यार के साथ. अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसको चांदनी बुलाता था, विच मीन्स मून लाइट, इसका मतलब चांद की लाइट. ही लव चांदनी, वो चांदनी को बहुत प्यार करता था. एंड वो नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वर डेड एंड गॉन, और वो सारी वो स्टोरी बताता था उसको जो उसकी फ्रेंड्स ने चले गए थे और बाद में मर गए. सेवरल ईयर पास्ट, बहुत साल बीत गए, चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी वहीं थी. अबू खान बिलीव्ड द चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड. चांदनी उसको समझ में आ गया था कि चांदनी कभी भी उसको नहीं छोड़ेगी, बस फ्री होने के लिए और फ्रेश एयर के लिए वो कभी भी नहीं जाएगी कहीं और. एल्स ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन फिर से एक मिस्टेक हो गई. ओके, तो क्या हो गया, अब दोबारा एक मिस्टेक हो गई चांदनी से. अब वो मिस्टेक क्या हुई और ऐसा क्या हुआ चांदनी के साथ, अब्बू खान के साथ ऐसी क्या मिस्टेक हुई चांदनी से, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और सारे वर्ड मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से ये इसके वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे. एक बार मैं आपको हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, एक बार जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ ना उसको आप एक बार अच्छे से समझ के उसके वर्ड मीनिंग्स लिखिए, और आप खुद पढ़िए. खुद पढ़ लेंगे जितना मैंने पढ़ाया तो आपका रिवीजन जाएगा, रिवीजन होने के बाद आपको वो बहुत अच्छे से चैप्टर आ जाएगा, हर वर्ड आपको आ जाएगा. तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जो भी मैं आपके वीडियोज बनाती हूँ, जो हमारी मेरी वीडियो देखते हैं वो मैं उनसे कह रही हूँ कि आप ना वर्ड मीनिंग्स की कॉपी बनाइए, उनमें जो आपको कठिन वर्ड मिले, जैसे अपने जो भी मैंने जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिख के
नीचे उसके वर्ड मीनिंग लिखी और देन नेक्स्ट चैप्टर के जो मैं पढ़ाऊंगी। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप सारी वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, सारी वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो जल्दी ही आपको सारी वर्ड मीनिंग्स आ जाएंगी। तो यही मैं कहना चाहती थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।